हर हर गंगे नमामि गंगे। और आज आपको हर की पैड़ी का हम दृश्य दिखाते हैं। आज देखेंगे तो श्रद्धालुओं की थोड़ी भीड़ ज़्यादा, और किस तरह देखिए श्रद्धालु माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए ये भाई फिर वही गलती, देखिए उस घाट से इस काले घाट पर आ रहे हैं पार कर कर, और यहाँ पर देखिए किस तरह भाई फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और चलिए आज आपको बताते हैं गंगा जी के जल से आज कैसे श्रद्धालुओं को डर भी लग रहा है, वो भी आपको वीडियो के एंड में दिखाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे यार लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। देखिए अभी हम आपको ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी का ये दृश्य दिखा रहे हैं, और देखेंगे आप इस तरफ कितने ज़्यादा श्रद्धालु हैं जो माँ गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाओं का जो बोर्ड लगा था वो अभी तक लगा हुआ है। और इस तरफ देखेंगे आप तो ये देखिए श्रद्धालु किस तरह जो है डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में। और अभी हम आपको महिला घाट का दृश्य दिखाएंगे, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो है अचानक से डर गए। और देखिए बार बार आपसे कहते हैं देखिए इस तरह से जो है कपड़े गंगा जी में ना धोइए, और ये देखिए ये श्रद्धालु जो है भाई ये उधर से देखिए पूरा तैरते हुए देखिए इस तरफ दूसरे वाले घाट की तरफ आ गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया बहाव अब जो है थोड़ा तेज़ है, लेकिन देखिए फिर भी भले ही आप एक्सपर्ट हैं लेकिन देखिए इस तरह का जो है स्टंट या रिस्क आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल ना करें, ऐसा जोखिम भरा काम ना करें, कोई भी अनहोनी हो सकती है। और इस तरफ देखेंगे आप तो देखिए किस तरह श्रद्धालु लोटा लेकर जो है गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज श्रद्धालु की थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, दूसरे राज्यों से पूर्वांचल राज्य जैसे यूपी बिहार के जो है श्रद्धालु हर की पैड़ी हरिद्वार ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए आप जब भी हरिद्वार हर की पैड़ी आते हैं तो देखिए अभी मैंने आपको एक वीडियो डालकर दिखाया था कि जिसमें जो है घाट पर लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए यार किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा जो है घाट पर किसी भी तरह की बदमाशी ना करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस हर की पैड़ी पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है। तो किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या कुछ भी इस तरह का व्यवहार ना करें जो कि किसी श्रद्धालु को उससे ठेस पहुँचे। और आप देखेंगे तो आज हर की पैड़ी पर सुबह रौनक है, किस तरह देखिए श्रद्धालु जो है पूरा का पूरा फैमिली पूरा परिवार आया हुआ है गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। और देखिए यहाँ पर भी देखिए महिला जो है किस तरह देखिए अपने कपड़ों को देखिए गंगा जी में धो रहे हैं। और देखिए जब एक श्रद्धालु ये काम करता है तो देखा देखिए सभी करते हैं, बहाव देख लीजिए माँ गंगा जी का कितना तेज बहाव। और ये दृश्य देखिए हमारा देश का तिरंगा और ऋषिकेश पुल, जय भोले बाबा। बहाव की बात करूं तो देखिए बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दृश्य में दिखाया है। और देखिए प्लास्टिक की पन्नियाँ कम नहीं हो रही हैं, दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक की पन्नियों का जो इस्तेमाल है हर की पैड़ी पर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं श्रद्धालुओं से यही कहूँगा, आप अगर घर से हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं तो अपने साथ एक चादर या किसी भी तरह का जो है कपड़ा चादर वगैरह ले सकते हैं बिछाने के लिए, लेकिन यार प्लास्टिक की पन्नी भी अगर चलिए खरीदते हैं तो उसको घाट पर मत छोड़िए। देखिए यहाँ पर ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर देखिए पूरा ग्रुप आया हुआ है श्रद्धालु का, और ये देखिए किस तरह जो है गंगा जी में देखिए डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए जैसा कि हम बार बार कहते हैं जब बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो छोटे बच्चे देखिए ज़्यादा आगे ना जाए, जंजीर पकड़कर ही जो है गंगा जी में डुबकी लगाई। श्री गंगा मंदिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह हमारे देश का तिरंगा हर की पैड़ी पर देखिए लहर रहा है। और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, देखिए आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो इधर भी आप देखेंगे आज जो गंगा जी का बहाव है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रात के समय भी जो है जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और रात के समय अब जो है श्रद्धालु जो है बहुत ही कम संख्या में जो है गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो घटना हुई थी, देखिए श्रद्धालु थे और वो जब गंगा जी में देखिए डुबकी लगा रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ये देखिए डर गए और बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लग गए। तो जितने भी वहाँ के श्रद्धालु थे सबका ध्यान जो है इस तरफ चला गया, तो हमने भी जो है उनको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। चलिए आपको ये दृश्य दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जो है जैसे ये देखिए डुबकी लगाई और उसके बाद देखिए किस तरह ये चिल्ला उठे और जिससे देखिए श्रद्धालु चौंक गए। तो देखिए माँ गंगा जी का इस समय जो है जल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो देखिए जो श्रद्धालु जो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं वो इतना ठंडा जल जब शरीर पर पड़ रहा है तो वो अचानक से चौंक जा रहे हैं।
और आप देख सकते हैं आज थोड़ा हर की पैड़ी पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज थोड़ा श्रद्धालुओं की रौनक लग रही है, आज थोड़ा श्रद्धालु सुबह के समय हर की पैड़ी पर है। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दो चार दिन में जो थे बहुत कम श्रद्धालु हो गए थे हर की पैड़ी पर, ना के बराबर, जो कि ऐसा दृश्य पहले कभी देखने को मिला नहीं था। लेकिन फिर दोबारा जो है देखिए, अब इस वाले घाट पर देखिए आप तो श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अब फिर दोबारा जो है श्रद्धालु आना शुरू हो गए, लेकिन दूसरे राज्यों से श्रद्धालु जो है बाहरी राज्यों से हर की पैड़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो MP UP बिहार साइड के भी जो है श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। और आप दृश्य देखिए कितना तेज़ जो है जल बहाव है, और देखिए कोई भी श्रद्धालु ग्रिल के उस तरफ नहाने की कोशिश नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए ये महिला ने देखिए फिर दोबारा वही गलती की जो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ गंगा जी को यार गंदा करने में अपना सहयोग ना दें, उनको स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग जो है अपना सहयोग दें। और देखिए इधर का भी दृश्य देखेंगे तो इस तरफ भी देखिए जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो देखिए कोई भी श्रद्धालु जो है ग्रिल के उस तरफ जाकर गंगा जी में डुबकी लगाने की गलती ना करे, किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी देखिए पुल पर भी देखिए आज कितने ज़्यादा श्रद्धालु जो बैठे हुए हैं, और कुछ श्रद्धालु जो है अपना आ रहे हैं जा रहे हैं। और इधर भी देखेंगे आप तो देखिए कोई भी आज इधर से ना कोई श्रद्धालु जंप लगा रहा है, ना कोई इधर ग्रिल के इस पार जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जब बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो इस तरह का जो रिस्क है आप लोगों को नहीं उठाना चाहिए। देखिए आपको आखिरी वाला घाट जो दिखा रहे हैं, नया घाट हर की पैड़ी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है, सिर्फ दो चार श्रद्धालु जो है डुबकी लगा रहे हैं। देखिए किसी तरह की पूजा कराई जा रही है हर की पैड़ी। और मौसम की बात करें तो मौसम फ़िलहाल ठीक है, सुबह सुबह जो है धूप निकल चुकी है और धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, जिससे श्रद्धालु जो है परेशान भी हो रहे हैं। और जो है मौसम, लेकिन देखिए ठंडी हवाएं चल रही हैं रात के समय, मैं कह सकता हूँ अब हर की पैड़ी पर जो है ठंड लगती है रात के समय, जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बाकी आप बाय ट्रेन बाय बस बहुत ही आसान तरीके से जो है आप हर की पैड़ी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार सभी जो है बड़े महानगरों से रेलवे से और बाय बस से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये श्रद्धालु किस तरह देखिए जंजीर पकड़कर देखिए, क्योंकि आज बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो देखिए यार इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लिया करें। होटल्स धर्मशाला आपको बहुत ही सस्ते रेट में फ़िलहाल उपलब्ध है, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होटल और रूम को लेकर आपको नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर भी देखिए किस तरह श्रद्धालु जो है ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर डुबकी लगा रहे थे। माँ गंगा जी के मंदिर के दर्शन कीजिए, माँ गंगा जी आपकी जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये हम आज आपके लिए हर की पैड़ी हरिद्वार से जो है वीडियो लेकर आए थे। बाकी आपको अगर हमसे कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो है दबा दें। हरिद्वार बाज़ार में देखेंगे तो बड़े आराम से बैटरी रिक्शा वगैरह आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड होटल तक मिल जाएंगे। हर हर गंगे, नमामि गंगे।